क्या कर रहा है ये? ऐसे कैसे चल रहा है? कोई पुलिस वाला देखना, दो मिनट में अंदर कर देगा। साफ मालूम पड़ेगा साड़ी के अंदर हट्टा कट्टा मर जा रहा है। अरे तो क्या करूं, औरतों की तरह चल यार, गर्भवती औरतों की तरह मटक मटक के दर्द दर्द में। आप क्या देख रही हैं? बड़ी बदसूरत बीवी है। अरे बीवी है, दाढ़ी निकल गई तो क्या करूं मैं? चलिए चलिए, अभी आता हूं। तू खराब है, शेव भी नहीं किया, बंद कर, धक्का लगा। और सुन, ना खोलना ना उठाना। अरे कैसी बात कर रहा है, खोलना ना उठाना यार। तेरा भी ना वन ट्रैक माइंड है, ना मुंह खोलना ना घूंघट उठाना। अच्छा अच्छा, बंद कर अभी, बंद कर, चुपचाप रहना, एक वर्ड नहीं बोला, समझा? चल मेरे साथ चल, अबे कुछ तो बोल। अरे तूने तो कहा जबान नहीं खोल ली है। अबे हाँ यार, ना तो बोल सकता है। हाँ हाँ चल। हाँ ए, यार घोड़े का बच्चा पैदा कर रहा है। हाय रे, क्या ऐसा लग रहा हूँ चकाचक? ये सुन, एक नंबर लगी है यार। अबे यार जो भी करना अभी कर ले, घर पास में आ रहा है, चल। हाँ ठीक है, पीछे आके बैठ जाना, औरतों की तरह बैठना। अबे अंदर जाना यार, अंदर ही तो हूँ यार, आएगा मेरे को। ए थाम, यही खड़ी रहियो, अर्जुन गंगर काल ले, कोई लेके भाग जाएगा। मैं अभी आया एक मिनट पीछे से। जी आओ बहन, तुम भी यही कर लो यार, दोनों पास पास जिंदगी भर मुत्ता रहेगा ये। गाना जरूर गाना है। आ गया। अबे चल 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 चल, टिटू टिटू टिटुआ, ए टू राशन की दुकान है क्या? सामान उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे बाप का माल है कि सामान उठा के ले जाओगे? पुलिस में बंद करा दूंगा। पुलिस की बात करता है कपूरथला, आज तो मेरा मकान खाली कर दो। कपूरथला का तो बन गया दही भल्ला। अरे तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा, गटर के अंदर? अपना आलीशान मकान तो किराए पर दे रखा है उनको। हाँ दिया था किराए के ऊपर, और सारे कह रहे थे इतना किराया देंगे, इतना किराया देंगे कि ऐसे ऐसे 10 मकान बढ़वा लोगे। इसी चक्कर में अपना मकान छोड़कर तुम्हारी खोली में रह रहा हूँ, जहाँ कुछ भी हमारा कुत्ता भी न रहे। अरे लेकिन मेरा किराया तो दो। ओए आस्तीन के सांप, आस्तीन पकड़ते पकड़ते तू गरीबान तक पहुँच गया है। फिर देख, ये ले किराया, ले किराया, इस तरह देखता क्या है, ये आज का फैशन है। 1 मीटर में 6-6 बनते हैं, स्टाइल है, स्टाइल गुर्बत का। लेकिन तुमको तो चेक दिया था, चेक उन्होंने? हाँ दिया था चेक, ये चेक दिया था, ये चेक लेकर मैं वहाँ पहुँचा। जब उस जगह पहुँचा तो वहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि अंधा भी पढ़ ले। उस पर लिखा था यहाँ बैंक बनेगा। अरे तुम्हारे साथ तो गनीमत हुआ कि तुम वापस आ गए, लेकिन मेरे पति को तो ऐसा चेक दिया कि 15 दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आए। अरे किसी लौंडिया के साथ रफू चक्कर हो गया होगा, तुमसे पीछा छूटा उसका। अरे कपूरथला, तुमने देखा नहीं था कि वो फर्जी चेक था? अरे वो चेक चेक करने के लिए मैंने उन्हें चेक किया था कि ये चेक तुमको किसने दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये चेक हमको इंस्पेक्टर पाशा की बीवी ने दिया था। अच्छा तो मैं पहुंचा इंस्पेक्टर पाशा के पास, और मैंने जाकर उससे कहा कि तुम्हारी बीवी ने चेक दिया है। बस ये सुनना था कि इंस्पेक्टर पाशा ने निकाला डंडा और मेरे बदन की एक एक बोटी को चेक किया। लेकिन कपूरथला, इंस्पेक्टर पाशा ने तुम्हें मारा क्यों? वो इसलिए कि बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इंस्पेक्टर पाशा तो रंडवा है। ये टूटो ने कहा, लो एक और आ गया है। ओए ओए क्या है, किधर है वो टीटू टोली को बाहर निकाल। अरे इतना चिल्लाता क्यों है, क्या हो गया है? गोलवती बेटे को गर्भवती बनाया, मरवाया क्या दोनों ने? अरे गाड़ो दोनों ने, कहता मेरा बेटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसका मूड में आएगा वो चढ़ जाएगा। अब तू बाहर निकाल उसको, मैं काट के नाम ओवर एक्टिंग कर रही। अरे खोते, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, उसका वक्त पूरा हो गया, सज्जा खाने में ले जाओ। अरे अभी टाइम कहाँ है, इसे अंदर ले चलो, चलो जल्दी करो। आओ सारे बाबू वाला, डर जाएंगे तुम लोग। आप लोग बाहर ही रहिए, जल्दी चलो। आया वो डाई आ गई है, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। डाई लाओ या माई लाओ, कुछ नहीं होने वाला। तुमने कुछ कहा? मैं क्या बोलेगा, और लगता है मेरे कान बज रहे हैं। अब तो पुंगी बजने वाली है। उतनी मार पड़ी की आवाज बच्चों जैसी होगी। ओ बच्चा हो गया, ओ बच्चा हो गया है, नाना बन गए। ओ यार क्या है,
बिल्कुल शक्ल तीजू से मिलती है और नाक तो बिल्कुल उस जैसी ही है। मर गए। ये यहाँ तो टोनी का है, लगता फिर बदल गया। चलिए कपड़े उतारिए और इधर लेट जाइए। अरे ना। अरे मैंने कहा कपड़े उतारिए और इधर लेट जाइए। अरे कपड़े उतारूंगा तो तुम भाग जाओगी। अरे कहीं आप बहरी तो नहीं है? तो फिर कपड़े उतारिए ना। अरे उतारिए ना कपड़े। देखिए शर्माइए नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक औरत ही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अरे लाजो। ये रही तेरी लाज, तो ये रही तेरी बंसी। हो गई लाज बंसी, चल ले। और मेरी बीवी कहाँ है? तो नहीं, कहाँ गया था भाई? कहाँ गया बे? कौन है भाई साहब आप? किसके हाथ में हाथ दे दिया था? पता है अस्पताल में क्या दुर्दशा हो गई मेरी? तो भड़क रहा क्यों? मेरी हालत मालूम क्या हुई थी? मेरे बाजू में खड़ा था, रूम के अंदर गया, एक बच्चा बाहर आया। हाँ। और किस शक्ल भी मिल रही थी तेरे। हाँ, मैं ही तो पैदा हुआ, मैं ही इतना बड़ा हो गया। यार तुम दोनों को बॉस ने बुलाया है? हमने भिखारियों के नौके छोड़े। हमारा बॉस जगत बासी है। हाथ नहीं लगाना, हाथ। चल डिलीवरी हो रही है, संभालना। रोज तुम लेट क्यों हो जाते हो यार? जगत दादा किसे हो? जगत दादा महान। क्या जैकेट पहन रखी हमने? क्या बॉडी वॉडी बना ली हमने? एक्सरसाइज कर रहे हो आजकल? जब भी हम लोग मिलते हैं इन्हीं की बात करते हैं। अरे बॉस ये दोनों नाटक कर रहे हैं, ये तो आने को तैयार ही नहीं थे, हम इन्हें उठा कर लाया है। अरे ऊपर से ये भाव खा रहे थे, कह रहे थे कि कौन सा जिसका नमक खाते हो उसी को पीठ पीछे गाली देते हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ। तू गुस्सा थूक दे, मत थूक दे, इन लोग पे थूक। देखो हम लोग तो आ ही रहे थे कसम से। वो क्या ना कि मेरे भाई का पाँव भारी हो गया, हम लोग तो आ ही रहे थे। माफी चाहता हूँ जगत दादा, दरअसल हम डर रहे थे। आपका पैसा, आपका पैसा टीटू बोल। देखो देखो हम लोग ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। पिछले 3-4 दिनों से शराब की एक बूंद भी अलग से नहीं उतरी, मालूम है क्या? नाचगान तो देखा ही नहीं। लेकिन लेकिन आप चिंता मत करो, हम कसम भगवान की मेहनत करके, ईमानदारी से चोरी चमारी करके आपकी एक इकाई लौटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरा पैसा नहीं चाहिए। उल्टे 1,00,000 रुपए मैं तुमको दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। 1,00,000 रुपए के लिए हम कोई भी काम कर सकते हैं। काम क्या? बड़ा पगला गया। पुलिस सिक्योरिटी से ये नक्शा तुम्हें मेरे लिए हासिल करना होगा। ना, 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 बस जगत दादा मैं माफी चाहता हूँ, मैं आजकल बुरे धंधों से कट्टी कर चुका, अब हम लोग शराफत की जिंदगी जीना चाहते। ये बिल्कुल सही कह रहे, हमने चोरी चकारी बुरे काम ये सब छोड़ दिया। छोड़ दिया, अभी चाय की दुकान लगा रहा है और नारियल की दुकान। हाँ। आपको चाय नारियल वाला चाहिए तो बोल देना। हाँ, कुछ नहीं हो पाया तो मैं गांव चला जाऊंगा, हल चलाने के लिए मेरे बाप बूढ़े हैं, उनका सहारा बनूंगा। कितनी अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ जगह तुम्हारा बाप आवे तुम भी गाँव चले जाओ। कसम से बता रहा, वैसे भी क्या हालत हो गई है, शुगर की बीमारी है, ऊंचाई से डर लगता है, कभी भी टपक सकते हो, आजकल तो हट्टे कट्टे मर जाते हो। अरे वो नाके में टपक गया ना। कौन? ना का चार लोगों से उठा नहीं, कुत्ते की गाड़ी आई थी लेने, पूरे गलियारे में खींचने से गड्ढे गड्ढे पड़े। बंद करो बकवास। सामू। यस मौसी। इन दोनों को अंदर ले जाकर इतना मारो कि इनकी मरम पट्टी से हमारा पैसा वसूल हो जाए। मारने पीटने की बात क्यों कर रहे हैं आप? हम लोगों ने ना तो नहीं किया, ना तो नहीं किया। आपका हुक्म तो सारा हुक्म पर आ गए ना रस्ते में। थोड़ा एडवांस मिल जाता तो वो क्या ना कि बहुत दिनों से शराब नहीं पीना तो गला सूख रहा हमारा, और नाच गाना भी नहीं देखा तो जी मचल रहा। हां वो मैं कर सकता हूं। साहब यस बॉसी, इन लोगों को 20,000 रुपया एडवांस दे दो। ओके बॉस साहब। याद रखना, क्या अब की बार अगर चूना लगाने की कोशिश की ना तो तुम दोनों को पान की तरह चबा जाऊंगा। हर बार ऐसे बोलता है। क्या कहा? वो कह रहा है कि वो हम आप ही के बच्चे हैं ना। हाँ। आप ही की देखरेख में पले बड़े। हाँ, हाँ, तो नक्शा आपको मिल जाएगा, कसम मिल जाएगा ना। 100% साबो मौसी जाओ पैसा लो। ए साबो साबो चलो अंदर चलो, सामान दिखाओ कहां क्या रखा है। ये तुम लोग इतने पैसे कमाते कहां से हो? देखा, 1 करोड़ का काम 1,00,000 रुपए में करवा लिया है, कोई मेरे जैसा? गला लागली कर पानी थीम थीम कर। समय पर न करने की वजह से आपकी सेवा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है, जिसके लिए हमें खेद है।
इतना खलियान साली घंटी का गोपा जा रही है फिर अच्छा ये हेलो उन प्रोफेसर का क्या हुआ उन्हें लाने कौन गया हाँ सर वो बेहतर में सॉरी सर वो अभी हो जाएगा सर एक बात याद रखो अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा नहीं नहीं सर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा सर मैं देख लेगा ना सर हेलो सर सर कॉइन भी नहीं रखते लगते वो प्रोफेसर को लेने कौन जा रहा है वो सर आप चले जाइए ना साहब मैं थाना संभाल लूंगा साहब जल्दी चमा आएगा थाना किधर जाने वाला है थाना इधर ही रहने का थाने को आए को संभालने का तू जा रेलवे स्टेशन पे जा प्रोफेसर को पकड़ने तो प्रोफेसर चला जाएगा जा रहा हूँ सर जा रहा हूँ प्रोफेसर राय हाँ प्रोफेसर दुबे मिस्टर पांगे और तावड़े कहीं दिखाई नहीं पड़े हैं ये लोग सामने खड़े हैं आइए पूछते हैं उनसे एक्सक्यूज मी बैग में दम तो नहीं बोले बाबू चले प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली तुम आई एम सीनियर इंस्पेक्टर फ्रॉम जानकी नगर पुलिस स्टेशन थैंक यू वेरी मच योर नेम माय नेम इज तोफिक तोफिक एंड माय असिस्टेंट मिस्टर छोटेलाल तुम पुलिस वाले नहीं लगते हमारे माथे पे लिखा है हम पुलिस वाले नहीं लगते जी क्योंकि पुलिस वाले कभी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच क्या है ना कि हम बहुत ही ऊंचे घराने के लोग ऊंचे घराने अच्छा अच्छा वेरी गुड लेकिन हमें तो पांगे और तावड़े रिसीव करने के लिए आने वाले थे वो पांगे और तावड़े का प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ मुफ्त का खाना मिला टूट पड़ते हो कल रात को भी पार्टी थी ऐसे क्यों लोगों ने इतना खाया दबा के पेट खराब हो गया यार खाना मुफ्त का पेट तो अपना ही है घूमते हैं पुलिस वाले है ना अब ऐसा एक दिन नहीं होता हर तीसरे दिन होता है वो लोग वहाँ जाते हैं ड्यूटी हम लोगों को बजानी पड़ती है अच्छा ये बताइए एएसआई कितनी दूर है यहाँ से बस यहाँ से पास हम खंडहर है उसके अंदर खंडहर 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 के आसपास अंडर खंडहर अंडर चलिए 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 रास्ता खाली करो पांच चक्कर हो गए सच सच बताओ एक और चक्कर लगाए तो लड़का पराया हो जाए तो आप लोग प्रोफेसर तुम लोग क्या मेरे को उल्लू बावड़त समझता है शक्ल से तो नहीं लग रहे हाँ अरे अकल से भी नहीं है नाम बल भी रहे तो क्या हुआ मेरे को धोखा देना आसान नहीं है तुम लोग फ्रॉड सब जानते हैं नहीं नहीं आप कहना क्या चाहते हैं आप प्रोफेसर आ चुके सवाल ही नहीं पैदा होता इतनी जल्दी पहुँच ही नहीं सकते एकदम कानून सबूत मांगता है इतने बड़े घराने के सबूत से सबूत मांगते हो बदतमीज जानता हूँ तू क्या सोच रहे हम लोग को अंदर लेके चलो सब कुछ मामला साफ हो जाएगा कौन प्रोफेसर है और कौन फ्रॉड अच्छा सोचो मत ले चलो सोचो मत ले चलो चलो ये तो बोली ये तेन दे ना कौन है आप लोग प्रोफेसर प्रोफेसर है अंग्रेजी में बोल लिसन व्हेयर द हेल यू आर डिसअपीयर फ्रॉम हियर वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू डू व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ क्या बात हुई समझा बात बात सब हो गई अब एसीपी को बुलाओ वही फैसला करेंगे चोरों को चोरी सिखाते हैं अरे थैंक यू वेरी मच सब ये चाकू तलवार लेते तो अच्छा होता थैंक यू क्या तेल लगाने नक्शा किधर जल्दी मत कर नक्शा इधर थैंक यू इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक तो पहुंच गए लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे कुछ करना पड़ेगा प्रोफेसर साहब 1930 में यही डब्बा मिला था ना अच्छा अच्छा ये वो है सारे लोग अंधे हो गए थे जिसको देखकर कमाल की बात है यार मैं तो डर गया था जब मैंने पढ़ा नहीं 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 मेहताज साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मेरे बीबी बच्चे हैं मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता मैं जाता हूँ अरे प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं कुछ नहीं हमारे देश के लिए हमें ये करना पड़ेगा नहीं नहीं देश के लिए थोड़ा थोड़ा सा खोल के इन्वेस्टिगेशन क्या होगा मेहता साहब मैं कुछ भी कर सकता हूँ देश के लिए लेकिन मैं देश के लिए अंधा नहीं हो सकता हूँ अंधा चश्मा तो लाया चश्मा चश्मा तो है ये रहा चश्मा
ठीक है लेकिन आप लोग भी अपने अपने चश्मे पहन लीजिए। चश्मा पहन लो भाई, सब लोग अपने अपने चश्मे पहन लो, बहुत रिस्क। चम्मा आइला चश्मा नहीं लाए। लो 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 मेहता साहब, हमें माफ करो, बगैर चश्मे की पुलिस खड़ी हुई यहाँ पे। देखिए मैं जानता नहीं इन लोगों को, आप तो धीरज के। एक मिनट भाई, चश्मा लेके आता है। और तुम लोग सब लोग ये मुंडी घुमा के उधर खड़े रहो, आंख बंद करके। कानून अंधा हो सकता है? घूम जाओ। पुलिस वाला अंधा नहीं होना। मैं चश्मा लेके आता है। करेक्ट। क्या साइज है? कोई भी साइज चलेगा। माइंड ब्लोइंग। मैं चश्मा लेके आता है। ये कोने वाले, आंख बंद, फूट जाएगी फिर क्या सेवा करोगे, नौकरी भी चली जाएगी। तो पकड़ो, निकल यहां से। जब तक हम लोग ना बोले तब तक एक भी आदमी नहीं खोलेगा, आंख नहीं खोलेगा। ए चश्मा लाया है? बहुत पहन ना फिर। ए कौन है? हम प्रोफेसर हैं। अभी भी साला तावड़े तुम लोग को इतना मारा है फिर भी बोलता है हम प्रोफेसर है। हाँ। ये शक्ल सूरत सब चेंज हो गया है, ये जवान से बुड्ढा हो गया है फिर भी बोलता है हम प्रोफेसर है। हाँ, इंस्पेक्टर, हम प्रोफेसर ही हैं। कौन इंस्पेक्टर? मैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, कार ड्राइवर है, मैकेनिक है, इंस्पेक्टर नहीं है। जैसे तुम प्रोफेसर नहीं है, समझा? एक मिनट, फोन आयला। चम्मा आयला, मोबाइल है। हाँ जीजू, ये दोनों जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, यस सर, ये दोनों असली प्रोफेसर हैं, इन्हें ठीक चलते दे। इस बार कोई गलती हो गई तुम्हारा डिमोशन पक्का। हाँ, समझ गए? अरे कहाँ गए वो दोनों? अरे मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, अरे वो चश्मे वाले कहाँ गए अंधो? टोपी पहना गए जीजू, अब टोपी बदलेंगे।